কেউ বলে ফাল্গুন, কেউ বলে পলাশের মাস, আমি বলি আমার সর্বনাশ। কেউ বলে দক্ষিণা, কেউ বলে মাতাল বাতাস, আমি বলি আমার দীর্ঘশ্বাস। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम शताब्दी। आज मैं लेके चल रही हूँ आप लोगों को पुरुलिया पे पलाश फूल के जो ब्यूटी है ना वो दिखाने के लिए। 2021 पे हम लोग गए थे अप्रैल के महीने पे, बट उस टाइम पे हमें पलाश के जो पलाश ब्लूम जो होता है ना वो देखने का मौका नहीं मिला। तो इसलिए 2022 पे हम लोग 3rd week of March जाने के लिए प्लान किए, क्योंकि हम लोगों ने खबर लिए थे कि हाँ वहाँ पे अभी पलाश ब्लूम हुआ है। तो हम लोग चल पड़े मॉर्निंग 6 AM हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस से, और आसानसोल पे हम लोग 8:30 AM पहुँच गए, और वहाँ से ट्रेन से फिर दोबारा हम लोग गए बराभूम स्टेशन। बराभूम स्टेशन से होटल का ही एक गाड़ी हम लोगों को लेने के लिए पहुँच गए थे, जो हमें लेके चले बहामुंडी होटल पे। होटल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर एक जगह पे था। चारों तरफ पलाश के जो पेड़ है ना उसी का ही भीड़ था। लग रहा था कि आसमान में कोई ऑरेंज कलर के होली का रंग फागुन के महीने में फैला के रखे है, और नीचे ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर के कोई कारपेट बिछा के रखे है, और उसी के ऊपर से हम लोग चल रहे हैं। ये ब्यूटी कोई बोल के समझाने वाली चीज़ नहीं है। ये कुछ चीज़ें होते हैं जो हम लोग देखते हैं और मन के कैमरे में हम कैद कर लेते हैं। उस दिन मॉर्निंग में हम लोग पलाश के ये ब्यूटी को निहारने के बाद शाम को चल दिए खैरा बेरा डैम देखने के लिए। वहाँ पे चारों तरफ आपको छोटे छोटे पहाड़ देखने को मिलेगी, और पलाश की ब्यूटी तो है ही है, साथ के साथ डैम के शांत वो पानी का जो एहसास है ना, उस एहसास को भी आप महसूस कर सकते हो। वो जगह बहुत ही सुंदर बने हुए हैं और बहुत ही शांत है वो जगह, और शांति का भी एक ब्यूटी होते हैं और एक एहसास होते हैं, वो आप महसूस कीजिए। फिर वहाँ से बहुत सुंदर बढ़िया सनसेट दिखने को मिलेगी आपको। वो देखने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे छोटे छोटे दुकानें बने हुए हैं वहाँ से चाय पिए, और इवनिंग में होटल पे लौट आए। ये खैरा बेरा डैम के पास ही एक रिसोर्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने सुंदर बने हुए हैं ये फूलों से घिरे हुए रिसोर्ट। रात को होटल में ही रूफ टॉप पे स्नैक्स के अरेंजमेंट किए गए। तो हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो सडनली दूर गढ़पंचकोट पहाड़ पे ही कुछ आग देखने को मिला। तो हमें पता चला कि ये फॉरेस्ट फायर है। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट फायर देखने का। तो हमारे पास मोबाइल ही था, तो मोबाइल कैमरे से ही हमने जितना हो पाए उतना ही फोटोग्राफ खींच के लेके आए। तो ये है वही फोटो। मॉर्निंग में हम लोगों ने देखे महुआ के फल। महुआ के जो फलों का जो पेड़ है ना वो चारों तरफ बिछे हुए हैं, और वहाँ के लोग इसी फल से लिकर बनाते हैं जो बहुत ही फेमस है। और इसके जो स्मेल है ना, महुआ के जो स्मेल है ना, वो सच में मदहोश कर देने वाली स्मेल है। और वहाँ के देखिए ये मौसी कलेक्ट करके लेके जा रही है, और ये बाज़ार में 20 रुपये किलो करके वो लोग सेल करते हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये महुआ के जो लीकर है ना उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो फिर हम लोग चल दिए थोड़ा सा लेट मॉर्निंग में बामनी फॉल्स देखने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स हैं, 500 to 700 stairs नीचे उतर के आपको ये फॉल देखने के लिए जाना पड़ेगा। और जाने के बाद वहाँ पे सब लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, सब लोग नहा रहे थे, बहुत ही गर्मी था तब। और जब वापस आने के टाइम हुआ तब सब लोगों को परेशानी हुई बहुत, क्योंकि ये 500 टू 700 स्टेयर्स फिर ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, और कुछ लोग तो ये गर्मी में बीमार भी पड़ गए थे वहाँ पे। जो भी हो, बट ये जगह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर इसका ब्यूटी था। तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। लेट आफ्टरनून में हम लोग पहुँच गए अपर डैम और लोअर डैम देखने के लिए। तो वो जगह भी बहुत ही सुंदर है,
वहाँ से हम लोग फिर से सनसेट देखे और फिर हम लोग रात को वापस आ गए होटल पे। ये अयोध्या हिल्स पे है, लोअर डैम अपर डैम। पुरुलिया एक्चुअली बहुत ड्रॉट प्रोन एरिया है और रेनी सीजन में ये रेन वाटर कलेक्ट करके रखते हैं, तो इसके लिए है ये बनाया गया है। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग पलाश के फूलों से बिछे हुए रास्ते से थोड़ा सा चले और उसके ब्यूटी को एंजॉय किए। सब लोग चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जाते हैं, बट हमारे ये लोकल एरिया पे पलाश ब्लॉसम जो होते हैं ना, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी है उसका। वो भी आपको बोल के मैं समझा नहीं पाऊँगी, आप इसमें देख के भी इतना नहीं समझ पाएंगे जब तक ना आप खुद अपने आँखों से वो देखेंगे। तो आप ज़रूर यहाँ पे मार्च के मिडल ऑफ मार्च से एंड ऑफ मार्च के बीच में जाइएगा और इसका ब्यूटी आप देखिएगा ज़रूर। फिर पलाश के ये ब्यूटी को मन के कैमरे में कैद करके हम लोग फिर उस दिन घर की तरफ वापस आ गए। तो यहाँ के प्लान आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, लेके आती हूँ कुछ और वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल पे मैं ट्रैवल व्लॉगिंग साथ के साथ कुछ इंफॉर्मेटिव और वीडियोस, या फिर मैं अपने जो पेट टर्टल्स है उसके वीडियोस लेके आती हूँ। आप लोग ज़रूर इस वीडियोस को प्यार दीजिएगा, साथ दीजिएगा मेरे चैनल के। और मेरे और एक चैनल है सुरोसाज द हाउस ऑफ म्यूज़िक फाउंडेशन, तो सुरोसाज के नाम से आप सर्च करके वहाँ पे मेरे सॉन्ग सुन सकते हैं। इस वीडियो पे भी जो शुरू का जो गाना है वो मैंने ही गाया है, तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपका प्यार बरसाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।